हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल आज आपको अधिगम के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें अधिगम आता है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अधिगम का अर्थ है, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है, मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन है वही सीखना होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। आपको पता है कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो डेथ नहीं हो जाती उसकी, तब तक वो सीखता रहता है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो सीखता है, किसी ना किसी तरीके से, मम्मी पापा से, समाज से, विद्यालय से, जहाँ कहीं भी जाता है तो वो हर जगह से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। नई परिस्थिति आती है तो वो उस परिस्थिति में प्रतिक्रिया करता है और अपने व्यवहार में चेंज करता है ताकि वो अनुकूलित हो पाए। तो हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना है, या अपनी स्वाभाविक प्रक्रियाएँ हैं, जो क्रियाएँ हैं उनमें परिवर्तन करना ही सीखना है। और अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। लर्निंग जो है सीखना होता है और अधिगम और सीखना एक ही चीज़ है। अब बढ़ते हैं हम लोग परिभाषाएं की ओर। परिभाषाओं में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो परिभाषाएं हैं, पहली परिभाषा है हमारी जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। तो इनकी परिभाषा है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला वर्ड है आपका व्यवहार, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका व्यवहार। ये दो इंसान हैं या मनुष्य हैं या आदमी हैं। तो ये दो आदमी हैं, नंबर वन, नंबर टू, ये आपस में लड़ाई किए और एक दूसरे का गला फोड़ दिए। तो आप याद कर सकते हैं कि व्यवहार व्यवहार दो आदमी थे और आपस में लड़ाई किए और एक दूसरे का गला फोड़ दिए। तो जैसे ही एग्ज़ाम में आता है तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि जैसे व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि दो व्यवहार नाम के आदमी थे और आपस में लड़ाई किए और एक दूसरे का गला फोड़ दिए। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है स्किनर के अनुसार। ये परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो देखिएगा स्किनर का जो है, स्किन ले लीजिए, स्किन, और उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर को लिख लीजिए उतर गई, उतर गई, ठीक है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी स्किन जो है वो उतर गई। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कहा स्किनर ने। आप इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब जैसे आप जा रहे थे और आपकी बाइक लड़ गई किसी चीज़ से और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी स्किन उतर गई, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। देखिए क्रो मतलब कौवा होता है, तो ध्यान रख लीजिए, क्रो मीन्स कौवा होता है। तो इनकी अनुसार क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। तो आपको पता है कि कौवे के पास बड़ा अधिक ज्ञान होता है, वो बहुत ही चतुर होता है, ठीक है, और उसकी आदतें भी बहुत ही चतुर वाली होती हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी प्यासा कौवा वाला, जिसमें घड़ा था और उसमें पानी था थोड़ा सा, तो कौवे ने अपनी चोंच से कंकड़ उठा के उसमें डाले और घड़ा भर गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कौवे के पास बहुत अधिक ज्ञान था या बहुत अधिक ज्ञान है। तो जैसे ही आपको आता है कौवे की आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो जैसे ही ज्ञान आता है, आदतें आती हैं और अभिवृत्तियाँ आती हैं, तो आपको याद आना चाहिए कि कौवे की आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ बहुत ही चतुर वाली होती हैं। तो कौवे का मतलब होता है क्रो एंड क्रो, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है हमारी वुडवर्थ के अनुसार। तो ये परिभाषा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो देखिए वुड माने होता है लकड़ी,
वर्थ माने होता है जो बैठने की सीट होती है उसे हम कहते हैं वर्थ, ठीक है। नवीन मीन्स नया और नवीन मीन्स नया। तो देखिए जैसे ही नवीन नवीन आए तो आपको याद आना चाहिए कि लकड़ी की नई नई बर्थ या लकड़ी की नई बर्थ जिस पर हम बैठते हैं, तो नवीन नवीन लकड़ी की बर्थ। तो जैसे ही नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की बात आए तो आप सीधे अंदाजा लगा सकते हैं वुड बर्थ। तो आपको शायद मेरे अनुसार समझ में आ गया होगा। अगली परिभाषा है अब गेट्स और अन्य के अनुसार। तो इनके अनुसार परिभाषा है सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो देखिए गेट्स को मतलब मान लीजिए गेट, जैसे कि कोई विद्यालय का गेट है और उसके अंदर जो है सीखा हुआ अनुभव प्राप्त और प्रशिक्षण व्यक्ति ही एंट्री कर सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जैसे कि ये कोई गेट है, ठीक है, और आपको कोई पढ़ाने आता है, कोई लेक्चरर है, तो जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया होगा, तब तक वो गेट से एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जैसे ही आता है सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, तो जैसे ही आपको ये परिभाषा है तो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा और आपको याद आएगा कि अनुभव और प्रशिक्षित व्यक्ति ही गेट से अंदर आ सकता है। तो इस तरीके से आप उसे याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है क्रॉनबैक के अनुसार। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी। अनुभव के परिणाम या अनुभव के परीक्षा परिणाम को सुनकर सभी के कान ब्रेक हो गए। अनुभव के परीक्षा परिणाम को सुनकर, यहाँ पे परीक्षा जोड़ लीजिए, परीक्षा परिणाम को सुनकर सभी के कान ब्रेक हो गए। तो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अंतिम परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। पहले भी परिभाषा थी वुडवर्थ के अनुसार। तो जैसे ही नवीन नवीन वर्ड आता है आपको याद आ जाना चाहिए वुडवर्थ, और व्यवहार व्यवहार वर्ड याद आए तो आपको याद आना चाहिए गिलफोर्ड, और उत्तरोत्तर जैसे याद आता है तो आपको याद आना चाहिए स्किनर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सातवीं परिभाषा है वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये आप याद कर लीजिएगा, जरा सी परिभाषा है। अब हम लोग जाते हैं विशेषताओं की ओर। विशेषताएं बहुत ही आसान है, जैसे जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है, मैंने बताया आपको, जैसे ही जन्म होता है बच्चे का और वो वैसे ही सीखना स्टार्ट कर देता है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, देखिए अनुकूलन की ही प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति नई परिस्थिति में जाता है तो वो प्रतिक्रिया करता है और सीखता है ताकि वो उस परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित हो सके। अगला पॉइंट है सीखना सार्वभौमिक है। देखिए सीखना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी सीखते हैं, चाहे वो जानवर हो, व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, सभी सीखते हैं, इसीलिए सीखना सार्वभौमिक है। अगला है सीखना कुशलतादायक है। बिल्कुल सही है, कुशलतादायक है मतलब एबिलिटी लाता है। अगर आप सीखेंगे तभी आप तो एबल बनेंगे किसी चीज़ के लिए। तो सीखना कुशलतादायक है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, मैंने आपको बताई है कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो व्यवहार में परिवर्तन लाती है। अगला है आपका सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। भाई सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया ही है, जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा आप कभी सीख ही नहीं सकते। सोचिए अगर जैसे कि आप YouTube पे आते हैं तो आपका उद्देश्य होता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे, एक उद्देश्य से आएंगे तभी आप अधिगम का वीडियो देखेंगे, नहीं तो आप कोई भी गाना सुनने लग सकते हैं। तो इसीलिए सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है और शारीरिक प्रक्रिया भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है सीखना सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप सीख नहीं सकते किसी भी चीज़ को, इसीलिए सीखना जो है वो सक्रियता पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत ही आसान है। तो जैसे कि बालक की योग्यता, बालक की कितनी क्षमता है, वो मानसिक रूप से विकसित है या शारीरिक रूप से विकसित है या नहीं विकसित है,
तो बालक की योग्यता इस पर भी निर्भर करती है, तभी उसका अधिगम अच्छा होगा। अगर वो शारीरिक रूप या मानसिक रूप से अच्छा होगा तो वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसीलिए बालक की योग्यता बहुत महत्व रखती है अधिगम के लिए। अगला पॉइंट है निश्चित उद्देश्य। भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और बालक तभी सीखेगा जब तक उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो एक निश्चित उद्देश्य होगा तभी वो सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। परिपक्वता, जैसे मैंने आपको बता ही दिया पहले पॉइंट में, कि जब तक जो बालक है या व्यक्ति है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होगा ज्ञान लेने के लिए, तब तक वो अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता है। अगला पॉइंट है परिवार। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के पास आता है, फिर धीरे धीरे परिवार से जुड़ने लगता है। तो अगर उसका परिवार अच्छा होगा तो अच्छा सीखेगा, अच्छे माता पिता होंगे, अच्छे भाई बहन होंगे तो वो अच्छा सीखेगा, अन्यथा वो बुरा बन जाएगा। समाज, समाज को भी रिलेट कर सकते हैं। भाई बहन, चचेरे भाई बहन आते हैं और समाज में तो सब कुछ आता है। तो मतलब समाज अगर अच्छा होगा तो अच्छा सीखेंगे, अच्छा नहीं होगा तो हम लोग अच्छा नहीं सीखेंगे। वातावरण, बिल्कुल सही बात है। अधिगम को प्रभावित करने के लिए वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आप इस क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, और अगर इस क्लास में अच्छी रोशनी आएगी, ठीक है, तो आप पढ़ सकेंगे, दिखाई देगा। आप ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, अगर अच्छी रोशनी आएगी तो आप देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। और हवा, खिड़कियाँ होंगी, बनी होंगी, तभी आप पढ़ सकेंगे। अगर ये सब ना हो तो आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो कह सकते हैं कि हम वातावरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है शिक्षक का व्यवहार। बिल्कुल सही बात है, अधिगम के लिए शिक्षक का व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर अधिगम डर पैदा रखता है, डर पैदा करता है क्लास में, छोटी छोटी चीज़ों पे मारता है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन एक अच्छा व्यवहार वाला अध्यापक हो और आपको पढ़ाता है, आपको छोटी छोटी गलतियों पे आपको डांटता नहीं है बल्कि आपको सजेस्ट करता है, तो आप सीखेंगे, अन्यथा आप नहीं सीखेंगे। अगला पॉइंट है सीखने की इच्छा। बिल्कुल सही बात है, सीखने की इच्छा बहुत ही महत्व रखती है अधिगम के लिए। अगर आपकी इच्छा होगी सीखने की तो आप सीखेंगे, अन्यथा नहीं सीखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे मिलते हैं हम लोग अधिगम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, थंडाइक के नियम, पावलोव, कोहलर, इनके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।